दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जिले से 500 कांग्रेस नेता आज भोपाल में भाजपा में शामिल होने के लिए रवाना। विधानसभा में टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जो दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते थे, आज भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह के पिता कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे, साजापुर जिला सहकारी बैंक 35 साल अध्यक्ष पद पर रहे। विधानसभा में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में सुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, इसलिए उनकी नाराजगी चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण रही। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक योगेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस के 500 कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल होंगे। भोपाल जाकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस में रखी और वहाँ से कार्यकर्ता? कांग्रेस पार्टी में भी रहे, मेरा परिवार 51 साल करीब कांग्रेस पार्टी में रहा है और पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी और कांग्रेस में रहकर मेरे फौजी पिताजी ने आम जनता की सेवा की, पार्टी को मजबूत किया, साथ में जनता के लिए काम किया। पर विगत 15-20 साल से जो कांग्रेस की स्थिति है, जो पट्टावाद चल रहा है, जो वरिष्ठ नेताओं की चापलूसी कर रहा है, जो पैसे में सक्षम है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया, उसके कारण कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो लोग पूरी निष्ठा से पार्टी का काम करते हैं, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं भाजपा ज्वाइन करूँ। आपके साथ कितने समर्थक आज करीब पदाधिकारी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पार्षद और जो पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, करीब 1000 से 1200 लोग आज जा रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर 29 तारीख को माननीय इंदर सिंह जी के सामने जो आसपास के विधानसभाओं के हैं, वो लोग जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं और जो भाजपा की नीति से प्रभावित होकर, मोदी जी अमित शाह जी के नीति से प्रभावित होकर ज्वाइन करेंगे स्थानीय स्तर को, 29 तारीख को करेंगे। अच्छा, वो पैसा रहेगा 100% प्रत्येक जो माननीय मोदी जी की और अमित शाह जी की मंशा है कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, तो निश्चित हमारे आने से 370 वोट प्रत्येक वोट बूथ पर बढ़ेंगे और साथ में ही 370 बूथ कांग्रेस विहीन बूथ बनाना है, यही संकल्प लिया है आज।